अरे क्लब में तेरी सरकार बना दूं, टेबल को तेरी बार बना दूं, वैसे तो हूँ बादशाह मैं, आज रात तुझे स्टार बना दूं, ऐसा बेबी काम करा दूं, डांस फ्लोर तेरे नाम करा दूं, घूर के देखे जो कोई तुझको, कान पे उसके चार लगा दूं, जी भर के नाचले बेबी शैंपेन के शावर में, यार तेरे का फैन मिनिस्टर बैठा है जो पावर में। You know, I'm fed up. मुझसे और टॉलरेट नहीं हो रहा इस वक्त। ये क्या जमकर बैठ गई हमारे घर पर? You know what? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जिंदगी भर जेल में सड़ने के लिए तैयार हूँ। इसको मार देती हूँ। Once when all सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। Are you mad? अरे उसमें मैड की क्या बात है? बिल्कुल सही कह रही है। मैं इनके साथ हूँ। एक ब्रिलियंट आइडिया मेरे पास। मैं भी ना इस लड़की से पेंट छुड़ाना चाहती हूँ। ऐसा करते हैं कि मैं इसे पकड़ूंगी और आप ना पीछे से आके इसकी गर्दन मरोगे। अरे ओ झांसी की रानी हो क्या? ओ, आप कर क्या रहे हो? आप अगर इतने गुस्से में रहेंगे बाद बाकी सारा प्लान चौपट हो जाएगा। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? ये क्या क्रिमिनल जैसी बातें कर रहे हैं, मर्डर वगैरह, ये सब आप लोगों को शोभा नहीं देता है। ढंग की बात करो कोई ऑप्शन है। अरे डीडी के आशीर्वाद से ये काम अंजाम मैं देता हूँ। अच्छा। लाइफ सेट हो जाएगी। अरे भाभी के लिए जेल जाऊंगा मैं, बस में जाता हूँ। आप बड़े चले कुर्बानी कुर्बानी खेलने के लिए, जंजीर के प्राण है क्या? ये क्या क्या इडियोटिक किस्म के बेवकूफाना प्लान आप लोग साथ में लेके आ रहे हैं यार? कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना है। ये सब नहीं Like what? Like baby, like simple death. मार डालो उसे। मैं हाँ एक और brilliant idea है। मैं ऐसा करती हूँ, उसे बोरी के अंदर बंद कर दूँगी और हम जाके उसे जंगल में छोड़ाएंगे। ओ मेरी माँ। क्या? उसकी हरकतें कुत्तों वाली है। वो है इंसान। इंसान है भाई, इंसानों वाला काम करो ना। My turn. क्या? हाँ। हम ना स्लो करंट देते हैं उसको और फिर अपने आप पागल हो जाएगी। खत्म। ऐसे किसने स्लो करंट दिया? एक मिनट, हमें कुछ सीरियस सोचना पड़ेगा। मुझे एक आइडिया बहुत जोर से आ रहा है। हम एक काम करते हैं, हम इसको ड्रोन पे बिठा के बॉर्डर एरिया में छोड़ें। वाह क्या बात है, सुपर। अरे भैया आप कमाल हो यार, आपके उस ड्रोन पे 23वें माले तक खाना लटक के नहीं आ पाया। कहाँ बिठाओगे उसको? हम डबल ड्रोन पे इसको बिठा देंगे। बस भी कर दो, डबल ड्रोन चाह रहे हो? कुछ ऐसी बात करो जो आपके 848 करोड़ के बिजनेस एम्पायर को शोभा दे। अपनी हैसियत मत गिराओ ऐसे। ये अपना स्लो करंट दे देगा ना, आपने मेरे दिमाग की बैंड बजा दी है। अरे यार कोई ढंग का सलूशन बताओ यार, ये सब क्या है? मारना ड्रोन को नाइस। तो तुम बता दो ना। अरे क्या? Now what is happening? लो, अरे listen to me. चाचू, अरे यार मुझे शबनम ने जिंदगी में इतना इरिटेट नहीं किया जितना ये लोग कर रहे हैं। पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। मैं वही कर रही हूँ रोशनी थी जो तुम्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था। अरे तुम्हारा ससुराल है, इतने अच्छे सास ससुर हैं, इतना प्यार करने वाला पति है, तो यहाँ क्यों पड़ी हुई हो? जाओ उनके साथ जाके रहो। जिंदगी भर के अपने पति को घर जवाई बना के रखोगी? शट अप। तुम मुझे नहीं बताओगी मुझे क्या करना है क्या नहीं? तुमसे नहीं सीखना मुझे। ओह मैं बहुत डर गई रोशनी थी। मिसेस खुराना समझाओ अपनी बहू को, जिंदगी भर तुम्हारे बेटे को यहाँ जमाई राजा बना के रखेगी, तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। यू थप्पड़ मारना चाहती हैं बड़ी माँ? एक गाल पे क्यों, दूसरे गाल पर भी मारिए। पर इतना याद रखिएगा, अगर मुझ पर एक भी खरोच आई तो आपको बहुत मोटी रकम खर्चा करनी पड़ सकती है अपने वकीलों पर। मैंने अपने सिक्योरिटी के सारे इंतजाम कर लिए हैं। आप लोग मुझे टॉर्चर करते रहेंगे और मैं यहाँ बर्दाश्त करती रहूंगी? ऐसा नहीं होगा। अगर आप भूल गई हैं बड़ी माँ तो मैं आपको याद दिला दूं। पिछली बार जब आपने मुझे परेशान किया था तो आपका कितना सुंदर मेकअप हुआ था। तो क्या कहती हैं बड़ी माँ, रिपीट परफॉर्मेंस करवा दूं? इतनी गारंटी है कि इस बार आपका मेकअप लास्ट टाइम से बेटर होगा।
हुआ, निकलो सब यहाँ से, आउट आउट। उसे टॉलरेट नहीं हो रहा। आई एम जस्ट फेड अप, ओके? आई एम टायर्ड। मैं उस लड़की को इस घर में देख ही नहीं सकती। ट्रस्ट मी, अगर ये लड़की यहाँ रही ना तो स्ट्रेस के मारे मैं मर जाऊंगी। मैं कह रही हूँ, जब तक इस लड़की की सांसें नहीं रोकते ना हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। सांसू मॉम, क्या धांसू आइडिया दिया है आपने, इट्स ब्रिलियंट। कमाल है यार, व्हाट अ गेम यार, ये गेम तो खेला जाता है। सांसू मॉम, बैंग ऑन। सिद्धार्थ, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में, हमें समझ नहीं आ रहा है। एंड व्हाट गेम? ओहो बेबी, गेम मेरे मन में वही चल रहा है जो तुम्हारी मॉम ने मुझे समझाया है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो खेल मुझे बताने की कोशिश कर रही है वो खेल खेला जा सकता है, और ये खेल खेल के इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। भैया, मैंने आज तक सासू मॉम को ये उनके मुंह पे नहीं कहा, नहीं तो एरोगेंट हो जाती कि कमाल की जीनियस औरत है आप, क्या फुल पावर आइडिया दे है। इसको कहते हैं सास जमाई की जुगलबंदी, क्यों सासू मॉम? ओ भाई, एस खुराना, सन ऑफ आर खुराना, वो तेरे दिमाग में गेम क्या है ये तो बता। बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। फिलहाल मुझे आप सबकी कोऑपरेशन चाहिए, देंगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ढंग से बताओगे? नहीं, एक मिनट, मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। जो इस समझ को ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है, समझे? समझ जाओगे पापा, वक्त सबको सब समझा देता है। भूख लग रही है, चलो चल के कुछ खाते। अरे, खाना नहीं लगाया और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, सब लोग कहाँ चले गए? खाना ही नहीं है। पूरा फ्रिज खाली है, सारा खाना खत्म कर दिया। वाह यार रोशनी, क्या कमाल का पिज्जा है यार, अंदर कोल्ड ड्रिंक इज गोइंग सो वेल विद इट। ऐसी पार्टीज तो रोज करनी चाहिए, लेकिन अगली बार हम स्नेक्स एंड लैडर्स खेलेंगे, लूडो नहीं, ठीक है? मैं यहाँ भूख के मारे मरी जा रही हूँ, पर ये लोग पिज्जा खा रहे, मजाक मस्ती कर रहे। अभी बताती हूँ। चार। अरे ये वाली है, कहाँ चल रहा है? यही मेरी है सर। अरे सॉरी सॉरी, ये तो मेरी नहीं है, ये मेरी है। चीटिंग मत कर। आमी। ठीक है ना, जब तक पकड़ा नहीं गया तब तक क्या चीटिंग है? चलो। जबरदस्ती मेरे घर में घुस आई हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने तुम्हें अपना लिया। इतनी बड़ी होगी, माँ ने कुछ तो सिखाया होगा, जाओ काम करो, पेट भरो। पाइलॉन्स, सब पिज्जा खाओगी? हमें कम पड़ जाएगा। अरे हमारे लिए कम पड़ जाएगा। मरो मरो, भूखी मरो। 1 2 3 4 ये लो। ओए घंटी बजी, घंटी बजी। आ गया आइसक्रीम वाला, आ गया।
आ गया आ गया. हनी. यस स्वीटी पाई. कैन यू गेट मी टू स्कूल. आई विल गेट यू 3 बीबी. थैंक यू. थैंक यू सो मच. क्या है ये, क्या बदतमीजी है, क्या कर रही हो शबनम? इसे मुझे दीजिए, इसे तो मैं ही खाऊंगी. तुम क्यों खाओगी, मैं लेके आया हूँ, तुम क्यों खाओगी भाई? अरे वाह, घर में मैं खाना मांगती हूँ, मुझे खाना नहीं मिलता, अभी आइसक्रीम तो मैं ही खाऊंगी. अरे मैं ही खाऊंगी मतलब ये, अच्छा ठीक है, इतनी जिद कर रही हो तो जाओ खाओ. वाओ आइसक्रीम. ऐसे नहीं, मैं इसे पहले नहीं खाऊंगी, पहले से आप खाएं. क्यों? अरे वाह, जब मैं इस घर में खाना मांगती हूँ, मुझे खाना नहीं मिलता, सारा खाना खत्म कर दिया जाता है, और इतनी आसानी से मुझे आइसक्रीम खाने दे देते, कुछ तो गड़बड़. सच सच बताइए, क्या मिला है इसमें? पागल हो क्या, मैं खुद को तुम्हारे सामने साबित क्यों करूँ? नहीं खाना है, जाओ मरो, मत खाओ. अच्छा ठीक है, लाओ 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 लाओ. सावन के अंधे को हर जगह हरा ही दिखाई देता है ना, चोर हमेशा हर किसी को चोरी समझता है, लेकिन तुम्हारे लेवल पे गिरना इम्पॉसिबल है स्वीटी पाई. एक बार और खाइए, थोड़ा और. बहुत अच्छी, खत्म कर दूं? नहीं नहीं नहीं, वो मेरी है ना, तो मुझे खा... मेरी है ये. शबनम व्हाट द हेल यार, ये मैंने मंगाई आइसक्रीम. क्या दिन आ गए सिद्धार्थ खुराना, शाली साहिबों को लाइन पे लाने के लिए खेल भी उन्हीं के स्टाइल में खेलना पड़ रहा है. अब क्या करें शब्बू रानी, अगर तुम्हारी दवा का स्वाद तुम्ही को चखाना है तो तुम्हारे घटिया लेवल पे उतरे बिना तुम्हें सबक तो नहीं सिखाया जा सकता. ये क्या हो रहा है मुझे? Oh God, I'm almost feeling bad for her. ये हो क्या गया इसको, अभी तक तो बिल्कुल ठीक थी. कहीं सिद्धार्थ का कोई तो प्लान नहीं है? मॉम, आप हमेशा स्कूल टीचर की तरह मेरे पति के पीछे क्यों पड़ी रहती है? वो सो रहा है खनाटे मार के, उसका क्या लेने देने का प्लान से? गॉड नोस क्या हो रहा है. नहीं कुछ तो है, चल चल चल. अरे ध्यान से ध्यान से. Open your eyes. टंग बाहर निकालिए. डॉक्टर साहब मुझे क्या हुआ है, फूड पॉइजनिंग हुई है क्या? देखिए अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, ब्लड सैंपल लिया है ना, शाम तक आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, और आप करुण लेकर सुबह 11 बजे तक मेरे पास आ जाइएगा, उसके बाद ही आखिरकार पता चलेगा कि मर्ज क्या है और मर्ज का इलाज क्या है. डॉक्टर साहब कुछ सीरियस तो नहीं है ना? देखिए मैंने कहा ना, पहले रिपोर्ट्स भी देख लेते हैं, डोंट वरी. देखें जरा,
किस में कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। क्या हुआ? तुम बताओ क्या हुआ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है सिद्धार्थ? तुम्हारा चेहरा देख के ना मुझे पता चल जाता है यू अप टू समथिंग। प्लान क्या है? क्या प्लान? आर यू टेलिंग मी या नॉट? मुझे कल आइसक्रीम मंगवाई थी जिसकी वजह से शबनम को उल्टियां हुई, तुम्हारा प्लान था ना? मैंने नहीं। सिद्धार्थ सीधे सीधे बताओगे या नहीं? सासू मम्मी, अच्छी बात यह है कि मेरे साथ रह रहा कि आप भी समझदार होती जा रही है। अब देखिए, ये सस्पेंस फिल्म में मर्डर किसने किया है ये तो आप समझ गई, लेकिन उस मर्डर के पीछे की कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, स्क्रीन प्ले क्या है, ये समझने के लिए थोड़ा क्रिएटिव दिमाग लगाना पड़ेगा सासू मम्मी। वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, आप अंगूर खाइए, बीज गिरने की कोशिश मत कीजिए। क्या बोल रही हो? अभी मत आना यहाँ पंगा, बेकार की बातें मत करो। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मैं जो What's going on? मुझे कोई कुछ बताता क्यों नहीं? क्या 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 चल रहा है? मुझे कुछ बताओगे या नहीं? लक्ष्मी 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 प्लीज मेरे कमरे में ग्रीन टी ला दो फटाफट। नॉट एट ऑल, रुको लक्ष्मी मत भेजना। शबनम अपने कमरे में जाओ, ये तुम्हारा कोई काम नहीं करने वाली। मेरा घर है, मेरा स्टाफ है, मेरे हिसाब से यहाँ पे सब कुछ चलता है। इतनी बड़ी होगी हो, दाना पानी तो खुद का हैंडल कर लो। डिस्गस्टिंग यूजलेस वुमन। शांत सासू मॉम, शांत, काम डाउन। लक्ष्मी ग्रीन टी पीनी है बेचारी को, दे दो एक कप। क्या जा रहा है हमारा, एक ग्रीन टी में हमारा क्या उखड़ जाएगा सासू मॉम? इसके बाद बेचारी के पास बचा क्या है और? पीने दो। फाइन। बहुत जल्दी सब समझ आ जाएगा। वेरी गुड, इसे भी पता है। मन कर रहा है गरम गरम ग्रीन टी लूं और उसके मुंह पे फेंक दूं। लक्ष्मी मुझे ना कल रात से बहुत उल्टियाँ हो रही हैं, तुम्हें कोई देसी नुस्खा पता है उल्टियाँ ठीक करने का? बिना बात के उल्टियाँ, ये तो कोई बड़ी गड़बड़ लग रही है हमको, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है? बीमारी बताओ, बड़ी बीमारी को बड़ी बीमारी हो गई? समझ नहीं आ रहा पर अच्छा जरूर लग रहा है। गुड, व्हाट अबाउट योर अप टू? फूड पॉइजनिंग है। और तो तुम यहां क्या कर रही हो? गेट लॉस्ट।
हे शंभो डार्लिंग। कमीने लोग मुझे बता नहीं रहे थे ताकि मैं अपना इलाज शुरू ना करवा सकूं। Not bad, हाँ? तो ये था तुम्हारा प्लान, है kind of like it। सासू माम, छोटे मोटे खेल सब में हमने बहुत खेली है, लेकिन बड़ा खेल हम खेलेंगे और हम जीतेंगे। उसने मेरी रोशनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, मैं उसे इतना मेंटल टॉर्चर दूंगा, इतना मेंटल टॉर्चर दूंगा कि वो मरेगी जब मरेगी, लेकिन तब तक वो हर दिन मरेगी। कड़ी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ओह, आई लाइक इट।